नारद, पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। ये पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। ये पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्री शैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारतवर्ष में एक पुण्य प्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भादित होता है। वो जल से कभी खाली नहीं होता। उसे पुष्प भद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वो शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल जल से पूर्ण है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शारावती नाम की एक नदी उसमें मिल गई है। वह गोमंत पर्वत को बाएं करके बहती हुई पश्चिम समुद्र की ओर प्रस्थान करती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्य के समान उद्भादित हो रहा था। वे योगासन में बैठे थे। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। वे ब्रह्म तेज से उद्भादित हो रहे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल थी। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं होती। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विध्वज, विशंभर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान करने वाले ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद हैं। दानवराज शंखचूड़ ने विमान से उतरकर उनके दर्शन किए और सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजमान थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूर्ण को आशीर्वाद दिया। उसे आया देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदनंतर सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूर्ण भगवान शंकर के समीप गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ एवं धर्म के पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी है। इन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचिति है। विप्रचिति के पुत्र दम्भ हैं। वे दम्भ धर्मात्मा जितेंद्रीय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हुए हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम श्री राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को ब्रह्म मात्र मानते हैं। उन्हें केवल श्री हरि की सेवा ही अभीष्ट है। उसे छोड़कर वे सालोक्य, श्रेष्ठी, सायुज्य और सामिप्य इन 4 प्रकार की मुक्तियोग तक को दिए जाने पर ही स्वीकार नहीं करते। वैष्णव ने ब्रह्मत्व या अमृतत्व को भी तुच्छ माना है। इंद्रत्व या कुबेरत्व को तो वो कुछ गिनते ही नहीं है। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण परम भक्त हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य ब्रह्म मात्र है। उसमें तुम्हारी क्या आस्था हो सकती है? राजन, तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो और मुझे आनंदित करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें।
भाई भाई में विरोध से कोई लाभ नहीं है। तुम सब के सब एक ही पिता कश्यप जी के वंशज हो। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे इनकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकती है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। फिर तपस्या से निश्चय उनमें पूर्वव्रत ज्ञान बुद्धि और लोक की स्मृति का उदय होता है। फिर वे सृष्टा ज्ञानपूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं। राजन, सतयुग में धर्म अपने परिपूर्णतम रूप से प्रतिष्ठित रहता है। उस समय सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से और कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। इन 3 युगों में उसका क्रमशः ह्रास होता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की एक कला मात्र शेष रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। दिन में भी दोपहर के समय जैसा उनका तेज होता है, वैसा प्रातःकाल और सायंकाल नहीं रहता। सूर्य समय से उदित होते हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचंड अवस्था में आकर अंत में पुनः अस्त हो जाते हैं। काल क्रम से जब दुर्दिन आता है तब उन्हें दिन में छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं, पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से पूर्ण रहते हैं, वैसे ही वो सदा नहीं रहते, प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर अमावस्या के बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्ल पक्ष में वे शोभा संपत्ति से युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में क्षय रोग से पुनः म्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे चमक नहीं पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुद्ध श्री संपन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं। बलि भविष्य में इंद्र होंगे, यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर ये सूतल लोक में स्थित हैं। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी हो जाती है। अखिल चराचर प्राणी काल की प्रेरणा के अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही सम हैं, क्योंकि वे ही सबके ईश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव असंख्य प्राकृत प्रलय को मैंने देखा है और आगे भी बार बार देखूंगा। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप हैं और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। जो सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता है वो काल मृत्यु जन्म रोग तथा जरा के भय को जीत लेता है। उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता तथा मुझको संहारकर्ता बनाया है। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं कालाग्नि रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प। नारद, सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में उपयुक्त तो बातें कहकर चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवन, आपने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता। तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना है, उसे यथार्थक सुनने की कृपा करें। इस समय आपने जहाँ जाति द्रोह को जो महान पाप बताया है, वो यदि देवताओं को मान्य है तो राजा बलि का सर्वस्व छीन कर उन्हें सूतल लोक में क्यों भेज दिया गया? मैंने ये सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रम से प्राप्त किया है, दानों के पूर्व वैभव का उद्धार किया है। भगवान गदाधर भी सूतल लोक से दानव समाज को हटा देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो उनका पैतृक स्थान है। यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओं ने भाई सहित हिरणाक्ष की हिंसा क्यों कराई? शुंभ आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मार गिराया? पूर्व काल में जब समुद्र मथा गया उस समय अमृत का पान केवल देवताओं ने किया, वे संपूर्ण फल के भागी हुए
और हमें वहाँ केवल क्लेश का भागीदार बनाया गया। ये सारा विश्व परमात्मा श्री कृष्ण का क्रीड़ा क्षेत्र है। वे यहाँ जब जिसको देते हैं उस समय उसी का ऐश्वर्य पर अधिकार होता है। देवताओं और दानवों का ऐश्वर्य के निमित्त सदा से विवाद होता आया है। काल के अनुसार बारी बारी से कभी उनको और कभी हम लोगों को जय अथवा पराजय प्राप्त होती रहती है। हम दोनों के विरोध में आपका आना निष्फल है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान संबंध रखने वाले बंधु ईश्वर एवं महात्मा हैं। हम लोगों के साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, और यदि कहीं युद्ध में आपकी पराजय हुई तो इससे भी अधिक आपकी अपकीर्ति फैलेगी। मुने, शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस दानेश्वर का समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में हमें क्या बड़ी लज्जा होगी और हारने पर हमारी क्या भारी अपकीर्ति होगी। इससे पहले मधु और कैटब के साथ श्रीहरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरणाक्ष से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्यकश्यपु से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्यों के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, उनका शुंभ आदि असुरों के साथ अभ्युत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा बलवान नहीं था। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो, बस मेरे कहने का इतना ही अभिप्राय है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय से क्या प्रयोजन है। नारद, जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया।